मोहब्बत का शहर पेरिस सैलानियों का सपना रहा है। यहाँ रूमानी हवा के बावजूद गर्मियों में सांस लेना दूभर हो जाता है। कंक्रीट की सड़कें और इमारतें पेरिस को बहुत गर्म कर देती हैं। एक अध्ययन के मुताबिक 1885 से पेरिस के औसत तापमान में 2.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, जबकि बाकी फ्रांस में ये वृद्धि 1.7 डिग्री सेल्सियस रही है। लिहाजा अब शहर को ठंडा रखने के लिए लाखों यूरो खर्च किए जा रहे हैं। पेरिस के इस नक्शे पर मुझे बताइए इस शहर की खासियत क्या है। ये शहर औसत जलवायु के लिहाज से बना है। ये दुनिया के सबसे सघन निर्माण वाले शहरों में से है, इसलिए ये एक अवन की तरह है। सौ मार्तान नहर तैराकी के लिए खुल चुकी है। अगले साल ओलंपिक खेलों के बाद सेन नदी पर नहाने के लिए 3 जगहों को खोलने की योजना है। एक प्लान कंक्रीट की जगह मिट्टी के इस्तेमाल का है, जो बारिश का पानी सोख कर हवा को ठंडा कर सके। सार्वजनिक इमारतों को भी इंसुलेट किया जा रहा है। कई चौक हरित बनाए जा चुके हैं, जैसे कि प्लास दे ला नासियो या दक्षिण पेरिस में ये गोल चक्कर। इसे एक शहरी जंगल के तौर पे तब्दील किया जा रहा है। शहर को ठंडा रखने के लिए पेड़ जरूरी हैं और सेन नदी ओपन एयर स्विमिंग पूल बन जाएगी। शहर को ठंडा रखने में तो वो अपना योगदान दे ही रही है। ये इको फ्रेंडली कूलिंग सिस्टम फ्रेशर दी परी कहा जाता है। भूमिगत पाइपों का जाल जो पूरे शहर की 700 से ज्यादा इमारतों के वाटर ट्यूब सिस्टम से जुड़ा है। हमने इसके एक प्रमुख प्लांट सॉन्ट्राले कनाडा का दौरा किया। ये पंप बर्फ जैसे ठंडे पानी को सिस्टम से गुजारते हैं। इस पानी को रेफ्रिजरेशन यूनिट में ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान गर्मी पैदा होती है, जिसे सेन नदी में छितरा दिया जाता है। उसका पानी सेकेंडरी सर्किट से बहता है। इस सिस्टम में पारंपरिक एसी यूनिट के मुकाबले आधी बिजली खर्च होती है। इसके अलावा वो बिजली पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा से आती है, ज्यादातर सौर पैनलों से। नेटवर्क के तहत 90 किलोमीटर पाइप बिछाए गए हैं। कंपनी अगले 2 दशकों में इन्हें तिगुना करना चाहती है। फ्रेशर दी परी सिस्टम लुवरे म्यूजियम और पेरिस सिटी हॉल जैसे जगहों को ठंडा कर रहा है, लेकिन नदी का पानी इस्तेमाल करने वाले एसी सिस्टम को लंबे समय तक खींचा नहीं जा सकता। मॉर्गन कोलम्बेर शहरी जलवायु अनुकूलन की विशेषज्ञ हैं। फ्रेशर दी परी जैसे सिस्टम नदी के पानी को गर्म करते हैं और ये स्थानीय जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिहाज से एक हद तक ही सुरक्षित है। ये सिस्टम पूरे शहर को ठंडा नहीं कर सकते, हमें इमारतें चुननी पड़ेंगी। भविष्य में फ्रेशर दी परी को स्कूलों से भी जोड़ा जाएगा। उनमें से कुछ स्कूल हरी भरी सड़कों और पैदल मार्गों का फायदा पहले से ही उठा रहे हैं और पूरे शहर में कारों के साथ साथ सड़कों पर साइकिलें बढ़ने लगी हैं। ऐसे बाइक हाईवेज पर आप साइकिल से कमोबेश पूरे पेरिस का चक्कर लगा सकते हैं। अगले 3 साल में शहर में और 55 किलोमीटर का साइकिल मार्ग जुड़ेगा। लेकिन साइकिलें बढ़ने से हर कोई खुश नहीं। व्यस्त इलाकों में ट्रैफिक जाम ज्यादा होने लगे हैं। शहर के प्लानर्स को आलोचकों और स्थानीय लोगों की जरूरतों को गंभीरता से लेना होगा। हमें तय करना होगा कि हमारी योजनाओं को स्वीकार्यता मिले, स्थानीय लोग उनमें शामिल हों और उन्हें पहल की जानकारी हो। प्लानर अक्सर जलवायु अनुकूलन के तकनीकी पक्ष पर ध्यान देते हैं, लेकिन मानवीय पहलू भी अहम है। दूसरी योजनाएं कम विवादास्पद हैं, जैसे कि पेरिस के उत्तर में एक गरीब इलाके के लोगों को ये नया इंस्टॉलेशन कड़ी धूप में शेड मुहैया कराता है। छत के नीचे 10 डिग्री तक ठंडक हो सकती है। हमने वहाँ एक नया फव्वारा लगाया है। अगर पेरिस में इसी तरह गर्मी बढ़ती रही तो ऐसे उपाय भविष्य में और भी ज्यादा अहम हो जाएंगे। पेरिस में ठंडक पहुँचाने के लिए और शेड्स बनाने और फव्वारे लगाने और ज्यादा साइकिल लेन्स बनाने का आइडिया मुझे वाकई पसंद आया। ऐसे में तापमान बढ़ता भी रहे तो लोग निश्चित ही थोड़ा सुकून से रह पाएंगे। With
temperatures continuing to go up.